नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML लिंक्स कैसे देते हैं। जी हाँ, अगर आपने HTML वेब पेज बनाया है और उसमें आप हाइपरलिंक देना चाहते हैं तो मैं आज इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि आप HTML वेब पेज में हाइपरलिंक कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि HTML लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लिंक देने का मतलब होता है कि आप उस पर क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर जा सकते हैं। तो जब भी आप लिंक पर माउस ओवर करते हैं तो वो जो है एक हैंड आइकन में बदल जाता है। लिंक की पहचान यही होती है कि जब भी लिंक पे अगर कोई लिंक दिया हुआ है तो उस पर अगर आप माउस ओवर करेंगे तो माउस ओवर करते ही वो हैंड आइकन में चेंज हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा, चलिए देखते हैं कि कैसे HTML लिंक दिया जाता है वेब पेज में। HTML देने के लिए हमें एंकर टैग यूज करना पड़ता है। तो एंकर टैग हम जैसे देते हैं, ये हमारा एंकर टैग के लिए होता है HREF। ये हम लिंक देते हैं इसके अंदर, और मान लिया यहाँ पे हम टेक्स्ट देते हैं जो वेबसाइट पे दिखती है। तो गो टू वेबसाइट लिख दिया हमने, एंकर को क्लोज कर दिया। जैसा कि हर टैग को हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, एंकर ओपन किया, एंकर क्लोज किया, और यहाँ पे हमें इसका लिंक देना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने वो दे दिया, ठीक है। अब इसे देखते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ लिंक आ गया, हाइपरलिंक। मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँगा और फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक आ गया, गो टू वेबसाइट। इस लिंक पे क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। तो ये तरीका है जिससे हम एंकर टैग के जरिए हम हाइपरलिंक HTML वेब पेज में ऐड करते हैं। धन्यवाद।